भैया दूज की बधाई। आज के समाचार इस तरह हैं, कानपुर में दिवाली पर 7 साल में सबसे कम प्रदूषण हुआ। सबसे कम वही होगा, हम रहे नहीं इस बार दिवाली में, हम थोड़ा व्यस्त रहे, अपना घर उताई पुताई करते रहे, हम पटाखा छुड़ावा ही नहीं। महाराजपुर में कार ने 2 को रौंदा। परमाणु बम इस्तेमाल पर भारत की रूस को नसीहत। राजनाथ सिंह जी कुछ गर्म कराए लग रहा है। नोट पर गणेश लक्ष्मी की फोटो को लेकर सियासत, यू एक खोखटी काम। व्हाट्सएप ठप होने पर केंद्र ने मांगा जवाब। पता यार, केंद्र में जब छुट्टी थी उस समय व्हाट्सएप ठप कर दिए, उन लोगों को भी तो यार मनोरंजन करना है। खाली हो गए 650 ATM, एक दिन में निकल गए 145 करोड़ रुपया। ये कानपुर की खबर बता रहे हैं, जो कानपुर को हल्के में लेती हुए, एक रात में 145 करोड़ रुपया निकल गए। कहाँ गए कुछ खबर नहीं। हर फायरिंग करते हुए युवक की फोटो वायरल, इनकी दिवाली मना दी पुलिस। चौबेपुर में 15 जुआड़ी किए गए गिरफ्तार, और 15 जुआड़ियों के बीच में फर से निकले 31,350 रुपया। 15 के बीच में 31,000 रुपया लेके यार चुहा थोड़ी खेल लो, मनोरंजन कर रहे होंगे। छोड़ो यार दरोगा जी, तुम भी मतलब इंजॉय नहीं करने दो का किसी को। नशेबाजी का विरोध करने पर हमला, जानलेवा वो भी। जामू गांव, जामू बहुत दबंग गांव है, वहाँ के किसी आदमी से पिलना नहीं। और क्या है, नवस्था में पति बनाता रहा वीडियो, पत्नी लटक गई फांसी पर। ये हमें लग रहा साला कोर्स करी सोएगा उसका फोटोग्राफी का, उसी चक्कर में चिकाई चिकाई में लई डाली इनके। अपना शक्ति से पता करो। युवक ने लखनऊ में की खुदकुशी। लखनऊ के नाका स्थित एक होटल में पंची के युवक ने खुदकुशी कर ली। यार बताओ तुम, पंची से जाकर लखनऊ में खुदकुशी। अब होटल वाले की तुमने आफत करा दी भाई जी, तुम तो मतलब चले गए, भगवान तुमको तुम्हारी आत्मा को शांति दे। चैन लूट ले गए बाइक सवार, अस्पताल जा रही महिला की चैन लूटी। इस समय जंजीर अंगूठी पहनके कम निकलो, लोग जुआ हार गए हैं, लूटपाट पे हम आता हैं, और फिर कहोगे योगी जी योगी जी, खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी पीछे पड़ोगे तुम योगी जी की। योगी जी का नाम भी ना ले देना चैन पहन लूटने में, नहीं लतिया दिए जाओगे। गलती कोई उनकी है तुम्हारे पीछे घूमने का। यार अम्बेडकर पुरम में दीवार पर सफाई को प्रेरित करने वाला स्लोगन लिखा है, फिर भी दीवार के पास ही कूड़ा पड़ा है। कहाँ फेंके जाके कूड़ा, बड़ी स्थिति। और अपार्टमेंट के बेसमेंट में लगी आग, कैंट का बंगला नंबर 54 अब करना होगा खाली। आज कुछ हाँ, गोवर्धन पूजा पे अन्नकूट प्रसाद प्रसाद को उमड़े लोग। बिठूर में बहुआ और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी ने भी गौशाला में गोवर्धन पूजा करी। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि वर्तमान में गोवर्धन ब्रिज की छोटी पहाड़ी है, इसे गिरिराज यानी पर्वतों का राजा कहा जाता है, और इसमें रहे हैं कौन कौन, राकेश सचान जी खड़े हैं, मैथानी जी खड़े हैं, सुरेश गुप्ता हमारे जीजा खड़े हैं, और सुबोध अग्रवाल संतोष अग्रवाल ये सब लोग खड़े हैं। यूक्रेन जाने को छात्रों ने कनपुरिया में किया पत्र वितरक को मातृ शोक। माता जी आत्मा शांति दे भगवान। कल छठ पूजा, 5 लाख से ज्यादा लोग करेंगे पूजा। कल है छठ पूजा, सब लोग सुन लो। बम फोड़ते समय एक ने जो गवाही यहाँ करी, यार वह तो बड़ा। भाई दूज पर भी तिथि का मध्य ज्यादातर आज मनाएंगे रक्षाबंधन। एक चीज कहें योगी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम लोग बहुत खुश हैं। अब मोदी जी से कहो देश यात्रा और विदेशी प्रधानमंत्रियों से बातचीत घंटे दो घंटे के लिए रोकें। हमारे देश में जो बड़े बड़े पंडित हैं उनको आप बुलाओ विधानसभा, उनसे पूछो क्या चाहते हो। यार हर त्योहार 2-2 दिन पेल दिया यार, साधारण आदमी की तो नानी मरी जा रही। अब भैया द्विज 2 दिन, अब कुछ लोग आज मनाएं, कुछ दिवाली 2 दिन,
करवा चौथ भी 2 दिन का कर दोगे, हर त्योहार रावण भी 2 दिन मर रहा। मतलब एक बार इन लोगों से बात कर लो कि ये लोग क्या चाहते हैं, इनको पहले संतुष्ट करिए। पटाखा छुड़ाने को लेके 2 बच्चों में मारपीट, ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, लापरवाही, पंची नहर के पास रोड पर गड्ढा जानलेवा, पंची रोड पर गड्ढा जानलेवा ये खबर है। कहीं सब लोग देखने ना चले जाना, पिकनिक स्पॉट बना दे उसको कि जानलेवा गड्ढा ऐसा होता, चलो देखें, सेल्फी लेने लगो, वीडियो बनाने लगो, ये खबर है भाई साहब। और क्या है फिर, देवकी नंदन ठाकुर की कथा कल से है, आइए क्या है। हरदोई में फायरिंग, IIT में दिखा तिंदुआ उछी, IIT में कल हमारा 28 तारीख को प्रोग्राम है, 27 तारीख को वहाँ तिंदुआ घूम रहा, कैसे जावे वहाँ, बहुत भैया सुरक्षा करना हमारी IIT वालों, वहाँ पता चला पिलवा जो सुनाते सुनाते तेंदुआ उठा ले जाए हमको। और ज़्यादा कुछ नहीं है, सब हाथ हाथ बांधे खड़े हैं इधर। हाँ, मदरसे बोझ नहीं सरकार क्यों दे रही है दखल, भाई मायावती जिज्जी तुम अभी कुछ ना बोलो, तुम चुप पे रहो, वो लोग सब आपस में निपटा लेंगे, तुम अभी खाम खाई। विधायक के गनर को चाकू को घोंप कर कार्बाइन लूट ले गए, लो चक्कू से कार्बाइन लूट ली इनका। तो पहले ये जो गनर थे इनका तो पहले कहीं चौकी ओकी में पोस्टर करो, कार्बाइन लुटवाया है ऐसे आदमी है, जमीन पर कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें योगी। और क्या है, उबर की वजह से फ्लाइट छूटी, मुआवजे का आदेश, ड्राइवर ने कथित तौर पर राइड देर से शुरू करी फिर CNG भराने चला गया जिससे उनकी जहाज छूट गवा। भारत की निगाह लगातार दूसरी जीत पर, सोनिया गांधी ने खड़क को कमान सौंपी, राहत महसूस कर रही हूँ सोनिया जी, खड़क को अपना वो सबदेही के राहत महसूस कर रही हैं, बढ़िया चीज़ है। भारत में कानून के शासक में सुधार दावा है, नई योजना की घोषणा ऋषि सुनक ने टाला है, नई योजनाओं की। ऋषि सुनक को लेके हमारे कानपुर के लौंडे इतने उत्साहित हैं कि अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, ऋषि भाई मुबारक हो। एक तो कही रहा है कि अबे देखा बन गया ना, और हमारे रवि जीजा का कहे हुई बब्बो जी जिस कही रहे हैं, सुन रही हो, हम तुमसे नहीं कहा था ऋषि सुनक बन जाएगा प्रधानमंत्री, हमारे जीजा को बहुत आइडिया हम बता रहे हैं, और बब्बू जिज्जी उनकी रफूगर है। हाँ, तुम तो कह ही रहे हो, जितने रिश्तेदार आते हैं बब्बू जिज्जी एक बात करती, ये तो पहले कह ही रहे थे ऋषि सुनक बन जाएंगे प्रधानमंत्री, अब हमारे जीजा के कहे से मुंह की भाषा लग गई, प्रधानमंत्री बन गए बारे जीजा। और कुछ नहीं है भाई जी, मोटरसाइकिल गाइड है देश में, GM सरसों की खेती का खुला रास्ता हो गया, करो जाके। सिटी वैगन में व्यवसायिक की छूट है, और पाचन सुधा पाउडर है, और बस इतना ही है आज। जय बाबा की।